हाय बडी, दिस इज़ प्रवीण। तो मैं आज आया था डी मार्ट कुछ काजू वाजू या कुछ लेने के लिए। यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है डी मार्ट में, तो मेक श्योर आप ध्यान रखना। मैं बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। मैंने यहाँ से दो काजू लिए थे 100 ग्राम के, तो जो उनकी प्राइस थी वहाँ पे दी थी 89, और जो मेरे बिल में इनने कट करा है वो है 111 रुपीज़। तो मेक श्योर ये देखिए जो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे लिखा है 89 रुपीज़, राइट। ये कौन से नीरस कोरल कट्स, और ये जो मेरा बिल है, मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ उससे देखना। तो ये रहा, यहाँ से मैंने नीरज जो थे ये लिए थे, नीरज क्राउड 100 ग्राम, ये रहे। नाम पूरा 89 रुपीज़ का है, नीरज क्राउड 100 ग्राम 149 MRP है, जो दीवान में 89 का दे रहे हैं ये 100 ग्राम। ये यही वाला है, ये रहा, पीछे पूरा नाम भी वही है। और अगर इसे यहाँ पे ये रहा बिल, ये रहा नीरज का 100 ग्राम, जो इन्होंने दो पीस लिए हैं मैंने, जो इन्होंने प्राइस लगाई यहाँ पे 111 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे प्राइस मेंशन है 89 रुपीज़। तो मेक श्योर ये कुछ बड़ाई फ्रॉड है, आई थिंक ये कोई मिस्टेक है या ये ऐसा ही करते हैं, पता नहीं। तो मेक श्योर आगे से ध्यान रखना, लेते टाइम हो सकता है डीमार्ट फ्रॉड करे। तो सो ये थी कहानी। अभी तो मैं बिलिंग डिपार्टमेंट से मैंने बात करी है, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। उन्हें बुलाया उनके हेड को, सो देखते हैं क्या सीन है। अभी ये बिल लेके जा रहा हूँ मैं, हमको वहाँ पे खड़ा रखा है, उन्होंने बोला हाँ बिल डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, तो देखता हूँ क्या होता है। मेक श्योर आप जब भी लें तो ध्यान रखें, बिल को एक बार ज़रूर कैरी फॉरवर्ड चेक कर रहे हैं या अकाउंट को देख लें, ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। तो मेक श्योर बने रहिए हमारे साथ, मैं और आपका प्रवीण। तो यहाँ पे अभी जो है वो एक बिल लेके गया है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसने बोला कि मेरा अमाउंट जो है मुझे रिफ़ंड हो जाएगा। वो एक्सचेंज मतलब वहाँ पे गलत बोर्ड लग गया, तो ऐसे कैसे गलत बोर्ड लग गया, दिन में हज़ारों कस्टमर आ रहे हैं सामान लेके जा रहे हैं, और आप किसी प्राइस का गलत बोर्ड लगा रहे हो और कस्टमर लेके भी जा रहे हैं, तो जो लेके गए हैं उनका अमाउंट कौन पे करेगा, बताओ कौन पे करेगा। अगर डीमार्टी ऐसा करेगा तो बेचारे ये ऋतिक का क्या होगा, ये सामान लेने आया था, मैं बोतल लेने गया तो अच्छा हुआ इसने चेक कर लिया, नहीं तो सीधे सीधे वो अमाउंट छोटा है, लेकिन जब वो बड़े स्केल पर फ्रॉड होता है ना तो ऐसा ही होता है। सो नॉट ए अमाउंट को मत देखो, आप चीज़ देखो कि हम किस जगह पे हैं, जहाँ पे अपन वहाँ से सामान उठाते हैं और सीधे रखते हैं ना बिल, फिर हम जाके बिल भी चेक नहीं करते हैं, लाइक हाँ कि 111 की होगी, यहाँ से सामान अपन बिलिंग कराते हैं और चीज़ें हो जाती है। तो अमाउंट बड़ा है, देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या सीन होता है मेरे साथ, देखते हैं शायद से अमाउंट रिफंड ही होगा। तो यहाँ पे जो ये भैया हैं अभी, ये अमाउंट वो तो मैं कर लूँगा जो भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भैया हैं इन्होंने बोला है कि जो मुझे अपना कितने 22 रुपये है ना, तो ये जो 22 रुपये हैं ये बोल रहे हैं कि मुझे अमाउंट मेरा जो है रिफंड हो जाएगा। ये तो मैंने बिल चेक कर लिया, ऐसे कितने कस्टमर आते हैं दिन भर में, दिन में महीने की बात कर लेते हैं, तो अगर 22 रुपये छोटी वैल्यू है वैसे तो। सर आपका प्रॉब्लम क्या है, वीडियो बनाना है? प्रॉब्लम है मेरे साथ, आपने चीट करा है। चीट नहीं किया, आपके सामने प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या प्रॉब्लम है? आप सॉल्यूशन क्या, रिफंड अमाउंट दे रहे हो? रिफंड अमाउंट नहीं, बात कर रहा हूँ ना उसके लिए तो आया हूँ मैं, आप बात करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, देखते हैं हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर बाद में। हाँ बोलो। तो ये जो अभी ब्लू और रेड टी शर्ट में भी आ जा रहे हैं, फोटो कौन खींचता है, मैं तो मेरा वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो अभी जो हैं वो भैया गए हैं वहाँ पे वापस, उनने उनके किसी हेडवेट को बुलाया था देखने के लिए। उनका कहना है कि हो सकता है नया बैच आया हो, बारकोड चेंज हो गया हो, उस हिसाब से प्राइस आती है। अब ये तो आपको ही पता है, ये कोई सीन नहीं रहता ऐसा, सब सही साथ है, मतलब इतना हो रहा है, नया बैच भी लग गया लेकिन वो अमाउंट चेंज करना भूल गए हैं, हाउ इज़ पॉसिबल। लाइक वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं आपका अमाउंट इशू क्या है मेरे को बताइए, अब मैं इशू क्या उसमें बताऊं, जब अमाउंट ही उसमें गलत है, पूरा अमाउंट गलत है, तो उसमें मैं इशू क्या बताऊं उनको, आप मेरे को बताओ क्या इशू बताऊं मैं उनको। मैं मेरी वो मैं अमाउंट रिफंड ले लूँगा, मैं बोल रहा हूँ जो ज़्यादातर कस्टमर के साथ ऐसा होता है
लाइक आप बिल चेक नहीं करते हैं और ऐसी जगहों से आप चीज़ लेके जाते हैं। डी मार्ट कोई सिंगल ब्रांड नहीं है, ना सिंगल शोरूम है, इसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं इंडिया में, मल्टीपल शोरूम्स हैं। सो थिंक अभी आपके ऊपर है आपको क्या करना है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ कि लोगों को पता चले। एक बार अपना बिल कैरी फॉरवर्ड जरूर चेक कर लो, ऐसा हो सकता है कहीं पर भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो बात हुई है डीमार्ट में, इन्होंने भैया ने बोला है कि जो इनके आर्टिकल लाइक जो आता है शिपमेंट, इनके प्राइस दिन में 3 से 4 बार चेंज होते हैं, जो इन्होंने कहा है अभी। तो ये ऐसा बोल रहे हैं लाइक जो मुझे वो है जो मैंने काजू लिए हैं वो मुझे पड़ेगा 111 रुपये में ही, और मतलब वो अभी ये 111 में पड़ेगा। मैंने उनको बोला 111 यानी 1100 रुपये किलो, मैंने मना करा है मेरे को नहीं चाहिए, आप मुझे अमाउंट रिफंड कर दो। तो वो दूसरा काजू देखने के लिए गए हैं अभी, तो देख के लाते हैं। डज नॉट मैटर मुझे काजू चाहिए नहीं चाहिए, मेन चीज़ उन्होंने कहा है कि दिन में 3 एक बार प्राइस चेंज होते हैं, तो वो हो सकता है बोर्ड हटाना भट गए। ये मुझे इन्होंने कहा, ये पीछे जो लाल शर्ट में भी आ जा रहे हैं ना, ये इन्होंने कहा है। मैंने बोला कि एक बार वीडियो में बोल दो, तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे अलाउ नहीं है वीडियो में बोलना, मैं नहीं बोल सकता, लाइक मैं आपको ये अनऑफिशियल बता रहा हूँ। तो मे बी ये ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता लाइक, लेकिन आप इतना बड़ा डिमांड चला रहे हो, मल्टीपल आपके शोरूम्स हैं इतनी इंडिया में, इतनी ब्रांच हैं, कस्टमर आप पे बिलीव करते हैं। लाइक मैं भी महीने में 2 बार यहाँ से शॉपिंग करता हूँ और आज तक मैंने कभी भी अपना बिल चेक नहीं करा। बेचारा ये तो हमारा ये ऋतिक भाई है, इसके साथ था, इसने मैं कुछ लेने गया था तो ये खाली खाली बैठे बैठे इसने बिल चेक कर लिया, तो ये पता चला नहीं, तो पता भी नहीं चलता क्या सीन है क्या नहीं है। मैं जाता और सीधे लॉस, लाइक ये मेरा लॉस नहीं है, मल्टीपल हो सकता है कितने आउटलेट्स हैं, अगर ये 1-2 रुपये का भी करते हैं तो महीने में करोड़ों का कपड़ा कर रहे हैं कस्टमर के साथ, इतना बड़ा चीटिंग। तो अभी तो मैं देखता हूँ क्या सीन है, वो मुझे नया बिल बना के देंगे, मैं उसकी भी आपको कॉपी दिखाता हूँ। ये लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका, वो मुझे बनाने को नहीं दे रहे हैं लाइक, आपको ही पता है ये नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो ये वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देंगे। अभी भी मैं डीमार्ट में ही हूँ, सो मैं देखता हूँ बिल आता है जैसे क्या इशू होता है, मैं आपको रिसोर्स बताता हूँ। ऐसे कुछ होगा नहीं, उसमें मुझे वो अमाउंट दे देंगे और वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा, बस यही सीन है। और ये ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, इस पर करेंगे भी क्या, इनका कोई सीन भी नहीं है जो है, पूरी फॉल्ट है पूरा डीमार्ट का, ये तो वर्कर है, इनका कोई फॉल्ट नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है, मैं आपको थोड़ी देर से थोड़ी देर से आता हूँ, देन ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, दूसरों को भी पता चले। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप दूसरों के साथ इसे शेयर करें, ओके, मेक श्योर। तो यहाँ पे ऐसा सीन हुआ है कि इन्होंने जो मुझे है ये बिल और ये अमाउंट जो मेरा दुका चुका था ये रिफ़ंड दे दिया है, ऐसा आईडी करके कुछ उसको उन्होंने साइन करवा दिया है और ये मुझे रिफ़ंड दे दिया है, बस कोई सेटिस्फेक्शन सॉल्यूशन नहीं। ऐसा क्यों हुआ, अगर ये कस्टमर के साथ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोई भी सॉल्यूशन लाइक सेटिस्फेक्शन रिप्लाई नहीं दिया है पर्टिकुलर कस्टमर को। सो देखते हैं अब क्या सीन होता है, मैं आपको घर जाके बात करता हूँ, अब यहाँ से तो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, बाय। हाँ, सो फाइनली मैं जो हूँ अपने घर आ गया हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ लाइक, उन्होंने जो है बोला कि ये कुछ मिस्टेक हो सकती है, उन्होंने प्राइस वहाँ पे जो है लेबर चेंज करना भूल गए या जो भी है, या उन्होंने बोला कि ऐसा होता है एकदम से प्राइस चेंज हो जाती है, हम लेबर चेंज करना भूल जाते हैं या मतलब कभी मिस्टेक हो जाती है प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने जो था, उन्होंने जो स्टार्टिंग से लास्ट तक जो देखा है या जो उन्होंने बोला है वो 3 चीज़ें बोली थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था कि हो सकता है ये कुछ बैच में कुछ पीस आ गए हों, क्योंकि ये बारकोड से चलता है, तो हाँ वो तो मुझे पता है बारकोड से चलता है, तो उनका कहना था कि हो सकता है इसमें 2 पीस मीन्स कुछ पीस उसमें जो न्यू है उसके आ गए हों। तो मैंने हाँ ठीक है हो सकता है आ गए हों, तो वहाँ से जो है उनको मैंने बोला आप दूसरे पीस के चेक करिए, तो वहाँ से वो 2-3 पीस लेके भी आए थे, वहाँ से उन्होंने जो है मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया। मैंने ट्राई करा था कि लाइक मैं साइड में कर रहे हैं जो, तो उन्होंने देख पूरा देख रहे थे, तो उन्होंने नहीं नहीं आप वीडियो बनना फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, तो
मैं वहाँ से हक्कू नहीं ले पाया, तो जो उन्होंने चेक करे थे तो उन पे भी वन वन अमाउंट आ रहा था, पूरा सेम अमाउंट था उन पे भी, तो वहाँ से उन्होंने तो वो हुआ नहीं। फिर दूसरा जो रीज़न है, उन्होंने वहाँ पे जो इसमें वीडियो में आपको जो रेड शर्ट वाले भैया दिखे होंगे पीछे, जो वीडियो में अभी डालने वाला हूँ उसमें एड करके, उसमें तो उन्होंने कहा था कि लाइक जो है ये होती है उनके साथ जो दूसरे भैया हैं वो वीडियो में वो दिखे होंगे जिन्होंने साइन लिए मुझसे, उन्होंने और उन्होंने कहा था कि जो है ये मतलब यहाँ से मैनेज नहीं करते हैं हम, जो भी ये प्राइस चेंज होते हैं बार कोड से, ये जो भी इनकी हेड हो या कहाँ से होते हैं मतलब हमारे सिस्टम में कुछ नहीं होता, ये आगे से प्राइस चेंज होते हैं जो नेटवर्किंग में हमारे चलते हैं, कुछ SIP या हाँ SIP करके कुछ कहा था उन्होंने, उसमें इशू हो सकता है। तो एक दूसरा इशू ये था कि उन्होंने लाइक बोले 10 बजे बाद हमारे प्राइस चेंज होते हैं और हम हटाना अभी हटा नहीं पाए, इससे अपडेट नहीं कर पाए चीज़ों को, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा इशू ये था। और तीसरा जो इन्होंने आंसर दिया था ये कुछ इस टाइप से था, लाइक कहना था हो सकता है किसी ने चेंज कर दिया, मीन्स इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने डायरेक्टली तो मैंने उनसे बोला वीडियो में बोलो, उन्होंने नहीं बोला, बोले नहीं मैं आपको ये पर्सनली बता रहा हूँ, मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा। वहाँ पे एक पर्सन था उनसे बोला हो सकता है किसी ने वहाँ पे वो प्राइस चेंज कर दिया, लाइक कोई घर प्रिंट लेके आया है वहाँ पे और उसने जो है उसका लेबर अपने लेबर से चेंज कर दिया, हाउ इट्स पॉसिबल। मतलब अगर ऐसा था तो कैमरे चेक करना चाहिए कुछ, मतलब उनकी तरफ से जो भी था एक्चुअल में, जो पूरा ये इधर उधर जो भी उनके सीनियर्स आए जो भी बातचीत, तो कुछ नहीं हुई, उन्होंने बोला मैं आपका अमाउंट रिफंड कर देता हूँ या आपको जो ये है वो 111 का ही पड़ेगा। तो मैंने तो अमाउंट दिस इज तो मैंने लिया नहीं, मैंने मेरे जो दो काजू थे उसका अमाउंट मैंने 222 रुपये रिफंड ले लिया, तो मैंने तो लिया नहीं, 200 रिफंड ले लिया था जैसा कि आपने देखा। बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो अमाउंट है लाइक ये आपको तो लग रहा होगा छोटा सा अमाउंट है, 89 और 111 में कितना अंतर है, मेन चीज़ है अगर आप ये तो इसमें कितना अंतर है 111 और 89 में, थिंक 11 रुपीज़ 1 पीस। अब इसमें मान के चलिए 11 रुपीज़ 1 पीस और मेरे जैसे कितने कस्टमर आते हैं, अगर उसमें से मान के 1000 कस्टमर, ये तो एक एवरेज वैल्यू है, एवरेज भी नहीं, इससे ज़्यादा ही आते हैं। लाइक मैं ही डी मार्ट पर मंथ में 2 बार जाता हूँ, 1st and 5th को 2 बार मैं सामान लाता हूँ, तो इन ए डे में मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 1000 कस्टमर आते हैं। इन्हें 1000 कस्टमर अगर एक कस्टमर मतलब एवरेज 5000 कस्टमर आते हैं जिसमें से 1000 कस्टमर काजू वो प्रेफर लेना चूज़ करते हैं, उसमें से अगर कुछ एक एक क्वांटिटी भी कस्टमर ने ली तो पर पर्सन 11 रुपीस हो रहा है, पर पर्सन 11, वन क्वांटिटी 11 रुपीस, सो 11 × 1000 11,000 रुपीस। सी व्हाट द हाई, हाँ इतना ही अमाउंट हो रहा है क्या, मिनट मैक्स थोड़ा अच्छा नहीं है, हाँ होना तो इतना ही चाहिए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। ऐसे ही तो मैंने 2 ली थी, अगर ये तो 11 रुपीस था, इस पे लोगों का ध्यान जाता है, ठीक है 11 रुपीस, 1 मिनट, वेयर इज माय कैलकुलेटर, ये 11 × 1000 11,000 सही था। हाँ अगर ये तो बड़ा अमाउंट था, अगर इसमें कोई छोटा अमाउंट होता लाइक कुछ पैसे में 10 पैसे 20 पैसे, तो उसमें आपका ध्यान भी नहीं जाता है, लाइक आप देखते भी नहीं है। लाइक मान के चलिए मैं कुछ मोनक्का या शक्कर या पीनट्स या कुछ भी ऐसी MRP या कुछ 10% 20% ऑफ वाली जो MRP पे ये ऑफ देते हैं लाइक मसाले वसाले या जो भी एक्सेट्रा, उसमें इन्होंने लाइक जैसे 49 रुपीज़ का मसाला है कोई, उसमें ये मुझे दे रहे हैं MRP 15% ऑफ, ठीक है तो मैंने तो 15% ऑफ देख के लिया, बट अगर उसमें ये 1 रुपये भी ऐड कर देते हैं या कुछ पैसे ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो ना वो आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, लाइक क्योंकि ना मैं देखूँगा 49 का 15% ऑफ इस मसाले पे इतना अमाउंट हुआ है, लाइक हाँ मैं देख के छोड़ दूँगा, अगर नोटिस भी करा तो पैसे लाइक 50 पैसे 40 10 पैसे नहीं देखेगा, लेकिन ये वैल्यू इंक्रीज कब होती है, जब मेरे जैसे कितने कस्टमर आते हैं, हज़ारों कस्टमर आते हैं, महीने में लाखों कस्टमर, इन लाखों कस्टमर में अगर मैं एक पर्सन से एक चीज़ पे 50 पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ उन्हें बिना पता चले,
to see how many crores you from and from there. So biggest mistake है या biggest fraud है ये इनकी तरफ से, I don't know DMart कितनी branches हैं. ये issue सिर्फ यहीं पर था, उन्होंने कहा कि 10 बजे बाद price change हुआ था तो change नहीं, क्या सब जगह ये ऐसा कुछ issues चलते हैं. Like मैंने आज तक कभी bill check नहीं करा, वो तो उस भाई ने वो बैठे बैठे वहाँ पर एक बार bill देख लिया कि price कहाँ है, तो उसको पता चला इसमें काजू नहीं है. जब उसका ध्यान गया तो पता चला काजू उन्होंने उनके जोड़े हैं इनने, तो एक बार रीचेक करने गया. उसके बाद उसने मेरे को बोला, फिर मैंने देखा अरे हाँ ये सीन है, ये तो बिगेस्ट मिस्टेक है. तो कुछ ये सीनरियो था ऐसा. सो आई होप को आपको भी, मुझे लगता है आपको भी ये वीडियो अपने जो हैं शॉपिंग करते हैं लाइक मॉल से, ये डीमार्ट का इशू नहीं है, बाकी सब जगह भी हो सकता है. तो जो भी करते हैं आपको होप उनको शेयर करना चाहिए ये वीडियो, उनके भी वो भी देखें को मेक श्योर आगे से आप जब भी शॉपिंग करें तो प्राइस आप नोटपैड में लिख सकते हैं लाइक ये इतना इतना इतना, देन आप उससे बिल से कैर उसको मैच कर लो. मस्ट मच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बाद में आप मैच नहीं कर पाएंगे. तो जब भी आप शॉपिंग करो उसको एक बार लिख लो लाइक नोटपैड में, लिखते जाओ अमाउंट ये 49 का 50 200 500 700, सिर्फ अमाउंट बाद में आपको कैरी उस कैरी करना है, सिर्फ दोनों को इक्वल इक्वल, दैट्स ऑल. अगर थोड़ा भी इशू आता है तो मेक श्योर आप उसकी कंप्लेन करें, क्योंकि ये आपके लिए छोटा अमाउंट हो सकता है लेकिन जब ये बड़े स्केल पे या बिगेस्ट होता है ना तो ये एक अच्छा अमाउंट हो जाता है बड़ा. सो बस आज का यही था सीन. सो अब तो कुछ नहीं, देखते हैं काम करते हैं, देन ये वीडियो एडिट करके देखता हूँ, पब्लिश कल करता हूँ. एंड आगे कोई फ्यूचर में अगर इसके रिलेटेड कोई ये वीडियो देखने के बाद अगर मुझे कुछ कांटेक्ट करते हैं वो या कुछ, तो मैं अपडेट करूँगा चैनल पे. सो बी सब्सक्राइब एंड कीप ऑन. थैंक्स, बाय.